ये तो अच्छी खबर है, तुम्हारी मॉम खुश हो जाएंगी। चलो घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। मुझे भी। ये कहाँ जा रही है? लैसी, वो हमें कहीं ले जा रही है। ग्रेट, ब्लैकबेरीज। थैंक्स लैसी, तुमने आखिर इसे ढूंढ लिया। बहुत यमी है ये। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। साउथ तो उस तरफ है ना? देखो, जब हमने शुरू किया था तब साउथ उस तरफ था, मतलब अब भी वो वही होगा ना? हाँ, हम हिले नहीं तो पर हम हिले हैं। क्या क्या कहा तुमने? हम नहीं हिलते तो हम हिले हैं। तुम लोग किसी एक्सपर्ट से क्यों नहीं पूछ लेते? तुमने सुना क्या? हे, हेलो हेलो हेलो। आप इन दोनों को ये बताने का कष्ट करेंगे कि नॉर्थ किस तरफ है? ये तो बच्चे हैं, इन्हें नॉर्थ नहीं पता होगा, इससे अच्छा कुत्ते को पूछ लो। लैसी, नॉर्थ। चेक कर रहा है, ये रहा कंपस, चाहो तो खुद देख लो नॉर्थ कहाँ है। ये तुम दोनों से ज्यादा स्मार्ट है। मैन रिस्पेक्ट, सॉरी मैंने गलत समझा। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम हाइकर्स तो नहीं लगते? हम तूफान ढूंढ रहे हैं। दरअसल हमें स्कूल में वेदर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हमने सोचा यहाँ कर कुछ रीडिंग्स लेकर जा सकते हैं। हमारे टीचर ने कहा था कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यहाँ पर आज? ऐसा हो सकता है, मैंने भी सुना था कि आज तूफान आने वाला है, अगर साउथ की ओर से गर्म हवा इस तरफ आती है तो। ड्यूड, ये तो एकदम सही है। दरअसल हम एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहे हैं खुली जगह में, जहाँ से हम वेदर में बदलाव देख पाए, हवा के तापमान को मॉनिटर कर पाए और कुछ सीख पाए। चैम्बरलेन बेसिन। सही कहा जोई, वहाँ से आप लोग बहुत कुछ देख सकते हो, आसान हाइक है। मुझे वहाँ बहुत मजा आता है, बहुत सुंदर जगह है। तो चलो ना हमारे साथ। जोई, हमने आंटी से कहा था सर्वे करके वापस आ जाएंगे। हाँ, पर अभी बहुत वक्त है और बस चैम्बरलेन बेसिन तो जाना है। आप भी चाहो तो रीडिंग्स ले सकते हो, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। कूल, चलो चलते हैं। हाँ, आराम से आराम से, सिर्फ यहाँ पे हवा आ रही है। हे हनी, पता है जोई कहाँ है? मैंने उसे लासी और हार्वी के साथ ईगल पीक पर भेजा है। क्यों, क्या हुआ? मुझे अभी रेडियो से खबर मिली है, आज दोपहर में बड़ा तूफान आने वाला है, बड़ा वाला। वो ज्यादा दूर नहीं होंगे, वो बहुत जल्दी निकल गए थे। ओके, अगर ये बड़ा तूफान है तो मैं रेंजर्स को आगाह कर देता हूँ, बस बच्चों को घर के पास ही रहने के लिए कहना। ओके, मैं समझ गई। मैं जरूरी सामान निकाल कर रखता हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या हो गया तुम्हें? बाहर हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, मैं तो बस उड़ी रही थी और वूश ऊपर ही चली गई और फिर वूश नीचे आकर गिरी। बाहर मौसम बहुत खतरनाक हो रहा है। क्या? इसका मतलब बाहर रखी हुई चीजें उड़ भी सकती हैं, पर हम तो यहाँ सेफ हैं। लबर कहाँ है? तुमने अभी तो कहा ना कि सारी चीजें उड़ भी सकती हैं, वो बाहर भाग गया है। मुझे सैमी को बचाना होगा। देखते हैं सबसे पहले ऊपर कौन जाता है। लगता है हम बूढ़े हो गए हैं। इनका तो कुत्ता भी हमसे तेज भागता है। तुम लोग बातें ही करते रहो। अपनी
चप्पल उतार दो, चढ़ने में आसानी होगी। ओके, ट्राई करती हूँ। क्या तुम ठीक हो? बड़े पत्थरों पर पैर रखना, वो हिलेंगे नहीं। ओ, थैंक्स। तुमने सही कहा था, ये सच में बहुत सुंदर है। आई नो, है ना? ओ, यहाँ कितनी तेज हवा है, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे। रोजर दैट, मैं बता देता हूँ। क्या बात है? हवामान बहुत तेजी से बदल रहा है। कहाँ पर? ग्रैंडमा नेशनल पार्क में सबसे पहले तूफान की चेतावनी देने को कहा है। तूफान की चेतावनी? इसका मतलब तूफान आने ही वाला है। कह सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये शहर की तरफ तो नहीं आएगा। तो फिर ठीक है, सबसे कह देना कि कोई बाहर न जाए और रेडियो सुनते रहना। ओके, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है। वाओ, हार्वी, वो देखो। अरे नहीं, जरा वहां देखो। वाओ, चलो सेट करते हैं। पता है लासी, हम निकल ही रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओके, मदद के लिए शुक्रिया। नहीं, मेरा मतलब है हम सभी को, मौसम और भी खराब हो सकता है। तो अच्छा है ना? हमें कुछ नहीं होगा जोई, हम बस कुछ रीडिंग्स लेकर नीचे ही आ जाएंगे। ओके। ज्यादा देर मत करना, ठीक है? समझ गई, डोंट वरी, हम बस आ ही रहे हैं। पक्का तुम लोग यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हो? बहुत मजा आएगा। नो थैंक्स, बाद में मिलते हैं। जोई, हार्वी, जोई, मैं यहीं पर हूँ, क्या हुआ? यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है। सब लोगों को कैंप साइट से बाहर निकालकर होटल में शिफ्ट कर दो, विजिटर सेंटर और हमारी ऑफिस में। तुमने वैकेशन कर लिया? नहीं, हम ये आपके बगैर नहीं कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। Zoe, कहाँ हो तुम? ओके, मैं वहीं आ रहा हूं। लासी रुक गई। क्या बात है गर्ल? वाओ! हमें आगे बढ़ते रहना होगा Zoe। नहीं, हमें उन लोगों को लेने वापस जाना होगा। लैसी जानती है मौसम खराब होता जा रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पर उन लोगों का क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे? हमें वापस जाना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, चलो। ओके। सैमी को बचाना तो पड़ेगा ही। Ha 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 ha!
सैमी, मेरा प्यारा टेस्टी सैंडविच, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं बहुत डर गया था। थैंक यू इसे बचाने के लिए। लासी, आइए। तुम आ गई। तुम लोगों को नीचे जाना होगा, मौसम खराब हो रहा है। पता है। अब चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं आ सकते, नीचे उतरते वक्त माइकल के एंकल में चोट आ गई है। कितना बेवकूफ हूँ ना, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। बिल्कुल चल पाओगे। पर इसकी स्पीड से हम नीचे कैसे उतर पाएंगे सोई? यहाँ पर आसपास कोई शेल्टर जैसा नहीं है, कोई पुराना कैबिन या कुछ भी। हाँ, एक ग्राउंड माइन है, वो बस थोड़ी ही दूर है। ओके, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे, पर हमें आगे बढ़ना होगा। जो तुम्हारी जैकेट से पट्टी बांधनी होगी। मैं वॉकिंग स्टिक लेकर आता हूँ। लाओ वो जैकेट मुझे दे दो। ये हो गया। दोस्तों के लिए कुछ भी। हमारे पास वक्त बहुत कम है। दे लीजिए। हाँ। ग्रहम आ गया है। मैं एक मिनट में आई। मुझे बच्चे नहीं मिले, शायद वो किसी शॉर्टकट से आ रहे होंगे। तुम्हें लगता है वो सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, लासी उनके साथ है। वो लोग अपना रास्ता निकालेंगे या शेल्टर ढूंढ लेंगे। तो अब हम क्या करें? इन लोगों का ख्याल रखते हैं और मौसम ठीक होते ही इन्हें शिफ्ट कर देंगे। और कितनी दूर है शेल्टर? बस पास में है, चलते रहो बस। वहाँ पर टोर्नेडो फॉर्म हो रहा है ना? आहा, हमें बस जल्दी किसी सेफ जगह पर जाना होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। जोई, तुमने कुछ सुना क्या? कोई बात नहीं, ये सिर्फ बारिश है और कुछ भी नहीं। सिर्फ बारिश है? जल्दी इस तरफ, जल्दी चलो। हमें तो नीचे जाना था ना? बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं। अरे ये तो पानी है। ये तो बाढ़ आ गई। काफी डरावना है। क्या ये चला गया? लगता तो है। हमें निकलना चाहिए, वो भी जल्दी। जोई रुको, हम उस तरफ नहीं जा सकते, वहाँ का रास्ता बंद है। अब हम क्या करें? दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, वो भी जल्दी। मैं और लासी ढूंढ लेंगे। ठीक है, पर जल्दी। हाँ बिल्कुल। तुम सबको वो पत्थर दिख रहा है? हम वहाँ चलते हैं, हमें वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो। अब कहाँ जाएगा? लासी, सब लोग चले गए, हमने पूरी कैंप साइट क्लियर कर दी है। गुड। तुमने कभी बवंडा देखा है? कभी नहीं। वेल, यहीं से शुरुआत कर लो फिर। hmm.
सुबह तक उनका इंतजार करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो बवंडर है ना। वाव, ये तो बहुत कूल है। मैम, मुझे मेरा कैमरा दे दो। क्या तुम पागल हो? तुम्हें देख नहीं रहा वो हमारी तरफ आ रहा है। पता है, जल्दी दो। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। बात तो सच है, पर अगर हम यहाँ पर रुके तो जिंदगी में कुछ और देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। ओके लासी, चलो अब जल्दी। हे, यहाँ आ जाओ। वहाँ पर नीचे एक जगह है, जल्दी। चलो लासी। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो, बस थोड़ी दूर है। जितना हो सके उतना अंदर जाओ। तोहफा बचा रहा था, मेरा प्यारा सैमी। मुझे लगता है कि तुम्हारा सैंडविच तो अब सैंडविच नहीं रहा। नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज। मैंने उसे, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? सैमी, वापस आ जाओ। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ओ, तो ये सैंडविच था क्या?
कैसे पता वो यहीं पर होंगे? क्योंकि जुई की मोम और मैं जब फंसे थे यहीं पर रुके थे। तुम लोग यहीं बड़े हुए हो ना, वैसे ही जैसे हार्वी और जोई। सुना तुमने? इस तरह। वाह, क्या बात है। हेलो गाइस। डैड, मॉम, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मॉम, आप लोग हमें ढूंढने आए हैं ना? हमने कहीं सुना कि यहाँ पर पार्टी चल रही है। चलो डांस करते हैं। गो मॉम। तुम्हारी डॉग सच में बहुत प्यारी है और फैमिली भी बहुत प्यारी है। हाँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जेन। पर आज शायद हम लोग ज्यादा खुश नसीब थे।